नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाले दही के आलू। दही के आलू बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक पैन ले लेंगे, उसमें हम घी डालेंगे और हम उसमें जीरा डाल देंगे। फिर हम उसमें हरी मिर्च डालेंगे और इनको थोड़ी देर तक हम फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें आलू डाल के इनको बहुत अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। आप आलू को जितना अच्छे से फ्राई करेंगे, हमारे दही के आलू उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से फ्राई करिएगा। क्योंकि इनमें जितना हम फ्राई करेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। देखिए आलू हमारे फ्राई हो गए हैं बहुत अच्छे से। देखिए उसमें ब्राउन स्पॉट आ गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। एक मिक्सिंग जार लेंगे, उसमें हम डालेंगे मूंगफली के दाने और उसमें हम डाल देंगे दही। अगर आप खट्टा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इतना दही डालिए। अगर आप कम खट्टा खाना चाहते हैं तो आप इस दही थोड़ा कम कर सकते हैं। फिर हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और हम डालेंगे जीरा पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये स्टेप करने से हमारे दही जो है कढ़ाई में डालने के बाद फटता नहीं है। फिर हम बहुत ज़रा सा ऑयल डालेंगे, मतलब घी डालेंगे। मैंने बस हाफ टी स्पून घी डाला है। फिर इसमें हम दही का छौंक लगा देंगे। फिर इसको हम जल्दी जल्दी चलाते हुए थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर तक भूनेंगे। इसको हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है वरना दही हमारा फट जाएगा। फिर जो हमने आलू फ्राई करके रखे थे वो आलू इसमें डाल देंगे और इन आलू को दही के साथ हम थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे। मैंने एक दही वाली अरबी की सब्जी भी शेयर की है, उसका लिंक मैं एंड स्क्रीन में दे दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसकी रेसिपी भी चेक कर सकते हैं। फिर हम इसमें पानी डाल देंगे और इसको हम थोड़ी देर तक बॉयल आने देंगे। इसको हम थोड़ी सी गाढ़ी बनाएंगे इसलिए हम पानी इसमें कम डाल रहे हैं। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे सेंधा नमक, क्योंकि व्रत में हम सेंधा नमक ही खाते हैं। अगर आप नमक नहीं खाते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर हम उसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब बॉईल हो जाएगा तभी आप इसमें नमक डालिएगा, वरना दही फटने का डर रहता है। देखिए सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।